शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। तब कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। चीन का राष्ट्रीय अनाज व्यापार केंद्र 13 मई को बोली के माध्यम से 3,14,000 टन आयातित सोयाबीन बेचेगा। इस कदम से घरेलू बाजारों में सोयाबीन की आपूर्ति में बढ़ोतरी की संभावना है। सोयाबीन, सरसों, मूंगफली के तेल के दाम कम करने के लिए बनाया गया आवश्यक वस्तु अधिनियम का सख्ती से पालन शुरू हो गया है। इसी कड़ी में उज्जैन में खाद्य विभाग ने छापेमारी कार्रवाई करते हुए 70 करोड़ की सोयाबीन और 10 लाख रुपए की कीमत का अन्य तेल जब्त किया है। भारतीय बाजारों में आज सोने और चांदी में बढ़त के साथ कारोबार दिखाई दिया। MCX पर जून वायरस सोने का दाम 80 रुपए बढ़कर 51,039 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी की कीमत 388 रुपए बढ़कर ये 61,885 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। गेहूं के रिकॉर्ड एक्सपोर्ट और कम हुए उत्पादन ने इसकी सरकारी खरीद घटा दी है। पिछले साल के मुकाबले न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीद काफी कम हो गई है। रबी मार्केटिंग सीजन 2022-23 में 24 अप्रैल तक 11 राज्यों से सिर्फ 136.93 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है। कृषि उपज मंडी में अधिक दाम मिलने के कारण मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में चना खरीद केंद्रों पर किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं 42 दिनों में इन केंद्रों पर जितना चना नहीं खरीदा गया है उतना चना एक हफ्ते में खरीद लिया गया। प्याज का बंपर उत्पादन किसानों को रुला रहा है। प्याज उत्पादक वाले जिले में किसानों की हालत खराब है। मंडी में प्याज के थोक व खुदरा भाव में 10 रुपए तक का अंतर आ रहा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल बुधवार को कॉटन के व्यापारियों के साथ दिल्ली में एक मीटिंग करेंगे। कॉटन इंडस्ट्री के व्यापारियों के साथ कॉटन के बढ़ते दाम और उच्च लागत पर चर्चा करेंगे। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि CAI ने मार्च की रिपोर्ट में 2021-22 सीजन के लिए कपास की फसल के अनुमान में संशोधित करते हुए कटौती कर दी है। वहीं CAI ने कपास की फसल के अनुमान को 8 लाख गांठ घटाकर 335.13 लाख गांठ कर दिया है। पिछले दो कारोबारी सत्र में रुपए में गिरावट के बाद आयात महंगा होने से दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सरसों एवं मूंगफली तेल, तिलहन, सोयाबीन तेल, बिनौला तेल कीमतों में गिरावट आई है। अधिक भाव पर मांग कमजोर होने से कच्चा पाम तेल और पामोलियन तेल की कीमतें पूर्व स्तर पर बंद हुई। गेहूं के आटे का औसत मासिक खुदरा मूल्य पिछले एक साल के दौरान 12 लाख के उच्चतम स्तर से 32.3 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों के मुताबिक गत साल इसका औसत खुदरा मूल्य 29.1 रुपए प्रति किलोग्राम था। दिल्ली NCR में आज भी लू के प्रकोप से राहत जारी रही, हालांकि गर्मी का असर कम नहीं हुआ। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के अनुसार बुधवार से दिल्ली में लू चलने की संभावना है। इस दौरान मौसम साफ रहेगा और तेज धूप भी निकलेगी। तो कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों में आज बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।